फ्रेंड्स, एक अच्छी न्यूज़ है आप में से वो कैंडिडेट्स जो नीट यूजी 2021 के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि नीट सुप्रीम कोर्ट की जिस दिन हियरिंग होगी उसी दिन डिसीजन आ जाएगा और वो बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन पे स्टे लगने ही वाला है। और ऐसा ही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन पर स्टे लगा दिया है। डेट मीन्स कि उसने एनटीए को बोला हुआ है कि एज सून एज पॉसिबल आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए, यू आर फ्री टू डिक्लेयर द रिजल्ट। तो अब इस मैटर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही, ये मैटर सॉल्व हो चुका है। एनटीए रिजल्ट कब डिक्लेयर कर सकता है ये एनटीए पे डिपेंड करता है। हालांकि एनटीए चाहेगा चाहे वो आज बाय एंड ऑफ द डे रिजल्ट को डिक्लेयर कर दे या फिर कल कर दे। हालांकि कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि एंड ऑफ दिस वीक वो कर सकते हैं, 30 या 31 तक, तो एंड ऑफ दिस मंथ आपका रिजल्ट आ सकता है मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन उम्मीद ये लगाइए, क्योंकि एनटीए ये नहीं चाहता कि अभी फिलहाल कोई और मैटर खासकर ऐसा आए जिससे कि रिजल्ट पे प्रभाव पड़े या रिजल्ट को रोकना पड़े। हालांकि एक मैटर और भी चल रहा है, ओएमआरसी से रिलेटेड एक कैंडिडेट्स ने बोला हुआ है, उसमें भी हालांकि रिजल्ट को रोकने की बात नहीं हुई लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसमें भी जारी है। तो होपफुली नीट का रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल डिक्लेयर किया जा सकता है। आज ही हो सकता है रिफ्लेक्शन आपकी एनटीए के वेबसाइट पे हो जाए रिजल्ट के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि काउंसलिंग आपकी बहुत लेट होने वाली है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि 16 नवंबर तक जो 27% ईडब्ल्यूएस और 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन का मैटर था नीट पीजी वाला, वो मैटर अभी भी है। मीन्स 16 नवंबर तक आफ्टर दिवाली वेकेशन ही ये मैटर सुना जाएगा। तो 16 नवंबर तक तो आपकी काउंसलिंग यूजी की नहीं होगी। मीन्स ये मान के चलिए कि यूजी की जो काउंसलिंग है वो नवंबर लास्ट से स्टार्ट हो सकती है, वो भी एमसीसी की काउंसलिंग। तो ये एमसीसी की काउंसलिंग दिसंबर जनवरी तक जाएगी, उसके बाद स्टेट कोटा जाएगा, स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी, फिर वीडीएस की काउंसलिंग होगी, फिर मॉपअप होगा। मीन्स कुल मिला के ये फरवरी मार्च तक जा सकता है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ही लंबा खींचने वाला है। जिस तरह से मैटर्स आते हैं कोर्ट में, जैसे कि ये ईडब्ल्यूएस वाला मैटर है, ओबीसी वाला मैटर है, ये भी सॉल्व होगा तभी कहीं काउंसलिंग के लिए इजाज़त मिलेगी। जब ये मैटर सॉल्व होगा तभी यूजी और पीजी दोनों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। पीजी की काउंसलिंग ऑलरेडी हाल्ट हो चुकी है जैसे कि आप लोग को पता होगा, तो यूजी की काउंसलिंग भी उसी डिसीजन पर डिपेंड करेगी। अगर वो डिसीजन आ जाता है तो यूजी की काउंसलिंग भी आपकी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम अभी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रॉपर डिसीजन देना पड़ेगा, प्रॉपर वहाँ पे सबमिशन करना पड़ेगा कि क्यों आप ईडब्ल्यूएस का ये बाउंडेशन 8 लाख रुपीस वाला रख रहे हैं, क्या ये लीगल है या वैलिड है या नहीं है। तो एक तो ये है कि आपका रिजल्ट जल्दी आ सकता है अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो। दैट्स ऑल।